नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा, सत्ता के लिए सब जगह नीतीश दौड़ते रहे हैं। तो क्षेत्रीय पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। आप जानते हैं कि बिहार की सियासत में लालू यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के धूर विरोधी हो चले हैं, लेकिन कभी इनकी दोस्ती के किस्से जगह जगह पर सुनाए जाते थे। राजनीतिक गलियारे में इनके दोस्ती के चर्चे होते थे। ये बात हम आज इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि कभी भी जब नीतीश कुमार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान दी जाती है तो लालू प्रसाद यादव उठ खड़े होते हैं और उसका विरोध करते हैं। अब हम आपको मेन बात बताते हैं। बात दरअसल ये है कि बीजेपी के एक सांसद हैं छेदी पासवान, इन्होंने नीतीश कुमार को लेकर पिछले दिनों एक बड़ा और विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं। ये बयान इतना बड़ा था कि इस बयान के आने के बाद बिहार की सियासत से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आने लगी। और आपने देखा कि कल लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना लौटे, पटना लौटने के बाद भी उन्होंने अपनी बात कही, और दिल्ली से जब पटना लौटने वाले थे उसके पहले भी हमने आपको उनकी प्रतिक्रिया दिखाई, कई सारे मुद्दों पर वो बोल रहे थे। एक बार फिर से जब आज हमारे संवाददाता आलोक लालू प्रसाद यादव से बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के लिए दिए इस बयान का पुरजोर विरोध किया और क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। नीतीश कुमार जहाँ जहाँ गए हैं तो उनका तो लक्षण ही रहा, सत्ता के लिए सब जगह नीतीश दौड़ते रहे हैं। तो क्षेत्रीय पासवान ने जो बयान दिया, दाऊद वाला बात बोला, वो बात नहीं बोलना चाहिए। बाकी तो सब लोग जानता है नीतीश कुमार कहाँ कहाँ जा रहे हैं। आप कोई संभावना देख रहे हैं कि राजद के साथ कोई सरकार बना सके? यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलेगा, उसका असर बिहार में भी हो सकता है? अब होगा तो देखा जाएगा, या तो हम देख लेंगे, पहले सब क्या बोला है। तो सुना आपने, लालू प्रसाद यादव इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बारे में छेदी पासवान या बीजेपी के अन्य नेताओं को भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी बिहार की सियासत में उबाल एमएलसी चुनाव को लेकर है, तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं एनडीए में विरोध देखा जा रहा है, तो राजद और कांग्रेस के बीच क्या कुछ चला पिछले दिनों आप सभी ने देखा, और अब तो सीटों का लगभग ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव जब बिहार लौटे हैं, कई महीनों के बाद एक बार फिर से बिहार की धरती पर लौटे हैं, तो सियासत अपने आप हिचकोले ले रही है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, नीतीश कुमार के लिए उनका वही प्रेम एक बार फिर से दिखा है जो सालों पहले दिखता था, जो तब दिखता था जब वो सत्ता में साथ में थे। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने इसका विरोध भी किया है। और राजनीति के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव एक मंझे हुए लीडर हैं, सभी उन्हें अपना मेंटोर मानते हैं। राजनीति में जो भी गुर सीख रहे हैं लालू प्रसाद यादव को जरूर सुनना देखना चाहेंगे। अब लालू प्रसाद यादव ने राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस बयान को सही नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार का बयान किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए देना शोभनीय नहीं है। और रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को लेकर इस प्रकार का बयान बीजेपी के सांसद को शोभा नहीं देता। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव कई मुद्दों पर आज बातचीत करते दिखे। उन्होंने यह तक कह दिया कि यूपी चुनाव में इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाने वाला है, जनता उन्हें इस बार सबक सिखा देगी। और इसके साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी जो है वो चुनिंदा मुद्दों पर लोगों को बरगलाती रही है, कुछ खास ऐसे अहम मुद्दे हैं बीजेपी के, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाकर उस पर काम किया जाता है और लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है और लोग बरगला भी दिए जाते हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद अब सत्ता पक्ष के नेता यानी कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जो बयान बीजेपी के सांसद ने दिया था, इस बात से समझिए कि बीजेपी और जदयू फिलहाल बिहार में सरकार में है, एक साथ सरकार चला रही है, और ऐसे में तनाव जो है वो चुनाव को लेकर भी है, ऐसे में कई बातों को लेकर विशेष राज्य के दर्जे पर लेकर भी तनाव है दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन इस प्रकार का बयान जो है सत्ताधारी दलों के बीच में जो हो रहा है उसे लालू प्रसाद यादव ने ठीक नहीं बताया है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।